जिन पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उन्हें खेलना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ये गेम खेलने के बाद आपको कोई नुकसान पहुँचे। और एक बात, आत्माओं से संपर्क करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि संपर्क बनाने के लिए आत्मा की सम्मति होना भी जरूरी होता है, और इसलिए कई दफा नाकामयाबी हासिल होना एक बहुत सामान्य बात है। सुजिओरा इस पैरानॉर्मल गेम को फॉर्चून गेम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जापानी पैरानॉर्मल रिचुअल है, जिसे पूरा करने के लिए आपको रात के 12 बजे के बाद हाथ में कंघी और एक छोटा कपड़ा लिए एक सुनसान चौराहे पर जाना है, और उस चौराहे के बीचों बीच जहाँ पर चारों रास्ते मिलते हों, फिर अपने पास के कपड़े से अपना मुँह ढकने के बाद कंघी पर 3 बार उंगली घुमाए और ऊंची आवाज में कहें, सुजिओरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पांस, सुजिओरा मेरे सवालों का सही जवाब दो, और फिर इंतजार करें किसी एक रास्ते से कोई अजनबी आपकी ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। पास आने पर उससे पूछे, क्या आप मेरा भविष्य बताएंगे? अगर वो अजनबी बिना कुछ कहे वहाँ से गुजर जाता है तो दूसरे के आने का इंतजार करें। अगर आप खुशकिस्मत रहे तो इंसानी शक्ल में घूम रही एक आत्मा आपको आपका भविष्य बता जाएगी। डोर्स ऑफ योर माइंड। इस पैरानॉर्मल गेम को खेलने के लिए आपको ध्यान लगाना होगा, और इस तस्वीर में दिखाए गए गलियारे को अपना दिमाग समझते हुए एक एक करके उसके दरवाजे खोलने होंगे। पर ध्यान रखिएगा, इन दरवाजों के पीछे आपके सबसे बड़े डर हो सकते हैं, जिनका सामना निडर होके आपको करना पड़ेगा, या फिर इन दरवाजों के पीछे आपकी जिंदगी में मौजूद कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको अच्छी लगती हो और उन्हें समेटते हुए आपको आगे बढ़ना है। पर ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और जितने ज्यादा दरवाजे खोलेंगे, आप उतने ही आपके दिमाग की गहराई में चले जाएंगे। आपका वहाँ पर ऐसी डरावनी सच्चाई से सामना हो सकता है जिसके बारे में शायद आपको खुद ही पता ना हो। दोस्तों, आप में से जो लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, वो डाउनलोड करें रोजधन ऐप। इस ऐप में अपने दोस्तों के साथ आर्टिकल शेयर करने पर आप असली पैसा कमा पाएंगे। रोजधन ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन पर दिए इस कोड को इस्तेमाल करें, जिससे पहले इस्तेमाल के बाद ही आपको 50 रुपए मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड करें रोजधन ऐप और पैसे कमाएं रोजाना। Devil Face। इस पैरानॉर्मल गेम को खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर 12 काली मोमबत्तियां जलानी होंगी, और आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद करके 12 बजने का इंतजार करना पड़ेगा। और रात के ठीक 12 बजे जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, तब आपको कुछ पलों के लिए आईने में एक डरावना सा चेहरा नजर आएगा। The Hooded Man Game। ये गेम खेलने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा उलझन भरी है, लेकिन अगर आप ये प्रक्रिया सफलता से पूरी करते हैं तो आपको लेने आपके घर के बाहर एक काले रंग की कार प्रकट हो जाएगी। फिर आपको इस कार में बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद करके बैठे रहना है, और रात के ठीक 3:30 बजे आंखें खोलने पर आप देखेंगे कि आप एक असाधारण से पैरानॉर्मल सफर पे हैं, और खुद हुडेड मैन ही गाड़ी चला रहा है। ये सफर रोमांचक लेकिन बहुत ज्यादा डरावना होगा, और इस सफर को खत्म करने के लिए हुडेड मैन के नजदीक जाकर कहें, सफर के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद कर लें, और जब आप आंखें खोलेंगे तो खुद को अपने ही घर के बिस्तर में पाएंगे। डेविल्स गेम।
इस वीडियो के अंदर अब तक बताए गए पैरानॉर्मल गेम्स में ये गेम सबसे खतरनाक है, क्योंकि डेविल्स गेम नामक इस पैरानॉर्मल गेम में आप सीधे शैतान के साथ संपर्क बनाते हैं। इस गेम को खेलने वाले कई लोग पागल हो चुके हैं और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस गेम को रात के 12 से 3 बजे के बीच खेला जाता है। इस गेम को खेलने के लिए अमावस्या की काली रात को अंधेरे कमरे में बड़े से आईने के सामने खड़े हो जाएं, नमक से एक पंचकोण बनाएं और तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से 6 लाल रंग की मोमबत्तियां जलाकर लगाएं और अपने मन में शैतान को सामने के आईने में प्रकट होने के लिए विनती या फिर प्रार्थना करें। अगर सामने के आईने में शैतान की आकृति नजर आए तो उसकी आंखों में बिल्कुल ना देखें, बल्कि उसके चेहरे की तरफ अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि शैतान की आंखों में देखने से वो फौरन ही आपको वश में कर सकता है। शैतान के साथ हो रही इस मुलाकात में आप उससे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हैं, जिसके 3 सही जवाब आपको मिलेंगे। फिर बदले में शैतान आपको 3 सवाल पूछेगा। ये सवाल आपके बारे में होंगे, जिसके 3 सही जवाब आपको देने हैं। पर ध्यान रखें कि सवालों का जवाब देते हुए ज्यादा समय न लेते हुए आप बिल्कुल सही जवाब दें, क्योंकि झूठ कहने से या गलत जवाब देने पर आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, तो ये थे 10 डरावने पैरानॉर्मल गेम्स। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।